अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरे सारे सब्सक्राइबर आरिफ भाई के और जो भी हैं देखने वाले सबको सलाम मेरा। अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं पब्लिक गार्डन के अंदर, एक मस्जिद है जो बहुत सुकूनदायक है, यहाँ नमाज अदा कर रहे हैं। आरिफ भाई थोड़ा दिखाओ मस्जिद उस तरफ, बहुत बड़ी मस्जिद है, मस्जिद बहुत खूबसूरत और शांति सुकून है, देख रहे हैं मस्जिद। हाँ मरता है पूरा, बहुत बेहतरीन और बहुत बड़ी मस्जिद है। सबसे बड़ी बात है मतलब बहुत यहाँ पे ये हैदराबाद का यहाँ पे पार्लियामेंट है शायद, है पार्लियामेंट जो है उसके अंदर ये मस्जिद बना है जो है, मतलब बहुत गर्व की बात है। मुसलमानों का कितना दबदबा है यहाँ पे देख रहे, अल्लाह करे ता कयामत तक रहे। अभी हम लोग यहाँ नमाज अदा कर रहे हैं, अदा करने के बाद अंदर के जो भी है इसके तो यहाँ जो भी खासी चीज़ है सब हरीफ भाई दिखाएंगे इंशाल्लाह। पहले ब्लॉग में हम लोग मस्जिद कौन सा दिखाए थे, मक्का मस्जिद दिखाए थे। ये मस्जिद का नाम शायद हम लोग अभी बाहर से देख रहे हैं, अंदर जाके मस्जिद के नाम को जानेंगे लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मस्जिद का नाम को तफसील से बताएंगे, ठीक है। आओ हरीफ भाई, यहाँ पे हाथ धोने के लिए सरफ भी रखा गया है, हाथ मिला पावली। बहुत खूबसूरत है वाजू खाना, पानी कांच के जैसे है, देखो यहाँ कूलर के भी इंतज़ाम अच्छे हैं, अंदर एसी, बाहर 8-10-22 कूलर हैं। फैन देख सकते हो आप कितना बड़ा, ख़त्म हो गया, हम लोग सुन्नत भी अदा कर दिए। बाकी इमाम साहब जो थे आज बहुत मतलब क्या बोले, बहुत खासियत थी उनके बयान में, सावन के महीने का जो बात है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा हुआ बात, हदीस बोले कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने बहुत रोज़ा रखते थे क्योंकि आने वाले महीने रमज़ान के होते थे। तो आप लोग भी भाई
हो सके रोजे रखो, नमाज पढ़ने की थोड़ी बहुत कोशिश करो जितनी हो सके, ठीक है। बाकी हम लोग भी नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह कल से। सबे बारात आ रहा है, उसकी भी तैयारी करो। जितने भी भाई हो, अपने रिश्तेदार हो, दोस्त हो, सबको माफ़ करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो, सारे चीज़ों को भूल के। सच्चा मुसलमान, पक्का मुसलमान वो होता है जो अपने भाई हो या रिश्तेदार हो या कबीले के लोग हो, बस्ती के लोग हो, सबको माफ़ करो। क्या बोल रहे हैं जी? आगे बढ़ो भाई, आज तो दिल पूरा एकदम गम हो गया है बातों को, हदीसों को सुन के। तो अल्लाह मुझे उस लायक नहीं बनाया कि मैं आपको उस कदर आपको बयान कर सकूँ। तो बेहतर ये हो कि आप लोग भी सारे बुरे कामों को छोड़ के आगे बढ़ो, नमाज करो, रोजे रखो, ठीक है। आगे आओ, बहुत सारी चीज़ें हैं मस्जिद में दिखाते हैं। अरे भाई आओ, देख रहे हैं यहाँ पे निकाह चला है अभी। यहाँ से निकाह का प्रोग्राम ख़त्म करके शायद वो लोग जाएंगे खाने वाने का। इधर भी चला है। अरे भाई जूम करके बता सकते हो? आइए अरे भाई, बहुत लियो फोन कर। पीछे जो है मेन गेट है, मस्जिद का नाम आप लोग को बोला नहीं गया था क्या? पूरे जो है मस्जिद का नाम हमको मालूम हुआ, यहाँ आम का बाग था क्या? नवाबों ने ये मस्जिद की शुरुआत की थी, अब तक है माशाल्लाह। अल्लाह इनको बहुत हया थी मस्जिद को। मस्जिद का नाम होता है बाग आम, मतलब आम का जो बाग है उससे ये मस्जिद था। तो ये मस्जिद की नाम हो गई बाग आम, ठीक है। हरी भाई जी, गेट दिखा सकते, यहाँ का सुकून दिखा सकते, कितने बड़े जगह में है मस्जिद हो माशाल्लाह। जुमा मतलब तो है ही, लेकिन महसूस यहाँ हो रहा है क्या? वाकई में महसूस हो रहा है। अरे भाई आओ, आप निकलेंगे रास्ते में, देखेंगे थोड़ा बहुत वीडियो रास्ते का डालेंगे। अरे भाई नमाज तो पढ़े हम लोग, नमाज मतलब क्या सुकून बोलना। इमाम साहब देखे ना, वाह क्या कद था, क्या चौड़ाई, क्या सीना और क्या बोलने की मिठास है माशाल्लाह। मतलब क्या बताएं, मेरे गेट देख सकते माशाल्लाह, एक महल के गेट के जैसा। ये अल्लाह का वो खास महल है बागे आम। अल्लाह हमको टॉपिक दे ऐसी ऐसी और मस्जिदों में नमाज पढ़ने की, आमीन। आओ, रूम के लिए जा रहे हैं हम लोग। ये मेट्रो का जो है, मेट्रो के इंतज़ाम है, मेट्रो ट्रेन के, ठीक है। यहाँ से हम लोग घूम रहे हैं, कौन सा चौक है ये? इधर जाएंगे तो सिकंदराबाद है, और इधर हम लोग घूम रहे हैं अभी अपने रूम की ओर। क्या रिप भाई, और अपने आदि भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं, देख सकते हैं आप माशाल्लाह। हरी भाई नमाज के बाद पूरा खूबसूरत, क्या बताऊँ। टिप्पल राइडिंग जो है हरी भाई यहाँ पे मना है, इसलिए मुश्ताक भाई जो थे वो रोड क्रॉस करके इस तरफ आए। हम लोग मस्जिद वहाँ आए, मस्जिद देखो वो कमान दिख रहा ना, वो पुतले के उस तरफ है मस्जिद, ये देखो कमान। मुश्ताक भाई जो थे आ चुके हैं, ये पुलिस का हेडक्वार्टर है, ठीक है, कमिश्नर ऑफिस, डिप्टी कमिश्नर। ये अपना यहाँ पे हम लोग बहुत साल पहले खेला करते थे, निज़ाम ग्राउंड है। हाँ अभी क्या है ना, यहाँ पे भी छोटा मोटा स्टेडियम कर दिया है, उसके उस तरफ देखो स्टेडियम है। हाँ ये क्लब है, देखिए ये इंडोर स्टेडियम है क्या। बाकी हम लोग आया करते थे यहाँ खेलने के लिए। हाँ कौन भाई?
कौन पहले ये फुटबॉल खेलने का ये कहीं था बोर्ड बोर्ड आप लेके भाई था कौन आरिफ भाई सब का था सब खेलती थे है ना क्रिकेट हो कुछ तो भी हो खेला करते थे अभी जो सो है बंद कर दिया है क्या हिमाच नगर एबिट थैंक गॉड बॉन्ड थैंक गॉड ऐसा ऐसा है इधर जाएंगे अपना इधर जाएंगे तो टैंक बॉन्ड इधर जाएंगे तो एबिट इधर जाएंगे तो हिमायत नगर और अभी जो हम लोग जा रहे हैं वो शेरगेट की ओर जाएंगे यह अपना ये देखो ये भी कुछ कमिश्नर ऑफिस है ठीक है आपको हम लोग थोड़ा देर में शेरगेट आने वाला है शेरगेट भी दिखाएंगे ये जो है अपना शेरगेट आ चुका है देखो ये गेट है ये शेर है ठीक है ये शेर है अपने कितने दोस्त हैं वो सोच रहे होंगे कि आरिफ भाई कुछ बोलेंगे